अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेकफास्ट से अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बनाया था अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता, तो अपने लिए मैंने बस स्मॉल सी ही रोटी बना दी थी और एग साथ बनाया था। तो नाश्ते से फ्री होके फिर मैंने जो है वो कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं बना रही थी आलू मटन, तो मटन में मैंने हर चीज़ डाल के टमाटर प्याज और सारे स्पाइसेस डाल के तो मैंने इसको चढ़ा दिया था। और फिर मैं बर्तन वॉश कर रही थी, साथ साथ काम भी हो रहा था और जो है वो मैं कुकिंग भी हो रही थी और मैं बर्तन भी वॉश कर रही थी। तो मैं जब भी मीट बनाऊँ या मैं दाल वगैरह कोई बनाऊँ तो मैं उसमें जब एक बार हर चीज़ डाल के चढ़ा देती हूँ फिर मैं उसके लिड ओवर नहीं करती हूँ, ना ही मैं उसमें बार बार चमचा हिलाती हूँ। तो ये मेरी मम्मा की टिप है। मेरी मम्मा कहती हैं जब भी आप गोश्त बनाएं तो आप उसमें बार बार चमचा नहीं हिलाएं, इससे गोश्त जो है वो जल्दी कुक नहीं होता। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो आटा डाल रही थी, आटा लेकर आए थे। मैं लेती हूँ ये फॉर्म का, ये 4 पैकेट ले लेती हूँ मैं आटा, और 2 पैकेट्स जो है वो मैं ले लेती हूँ ऑल पर्पस मैदा। उससे ये है कि समटाइम्स जो होल व्हीट हम लोग लेते हैं ना उसमें फ़ाइबर एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसको एक नॉर्मल करने के लिए जो है फिर मैं उसमें मैदा मिक्स करती हूँ। तो इस तरह से ये बिल्कुल वैसी आटा होता है जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में गंदम से निकलता है। तो मैं कैसे आजकल बना रही हूँ आटा लेके, उसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है वो मैं आलमंड फ्लोर की ऐड कर देती हूँ और 2 टेबल स्पून मेरे पास ये डार्क राई फ्लोर है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल फ़ाइन सा, इतना नरम मुलायम सा फ़ाइन सा आटा है ये डार्क राई वाला, बहुत ज़्यादा। तो इससे जो है बहुत ही खस्ता रोटी बनती है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। इसमें जब आप इसमें 2-3 किस्म की चीज़ें ऐड करेंगे, लाइक आप इसमें घी ऐड कर रहे हैं या आप इसमें आलमंड फ्लोर ऐड कर रहे हैं, तो बहुत ही मज़े की रोटी बनती है। तो एग्स भी यहाँ पर मैंने वॉश करके रख दिए थे, जब वो ड्राई हो गए तो फिर मैं उन्हें फ्रिज में रख रही थी। मैं बगैर वॉश किए जो है वो एग्स फ्रिज में नहीं रखती। तो बर्तन भी वॉश हो गए थे और यहाँ पर सालन जो है वो पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया था, तो जस्ट मैं उसको भून के अच्छे तरीके से भून लूँगी और फिर इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे कम्प्लीट ऐसे डायरेक्ट मीट पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ थोड़ा लाइट हो जाता है, मतलब कोई उसमें वेजिटेबल ऐड कर देना तो मीट जो है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, वो खाया जाता है, आराम से खाया जाता है। और मेरे हस्बैंड को भी इतना मीट पसंद नहीं है, वो भी नहीं इतना शौक से खाते। तो मैंने उसमें आलू ऐड कर दिया था और जस्ट आलू भून के, तो मैंने इसमें 1 कप जो है पानी ऐड किया था और उसको हल्के आंच पे दम पे लगा दिया था। खाना रेडी हो गया था। तो फ्राइडे का दिन था, तो फ्राइडे वाले दिन ये हमारा टीवी ख़राब हो गया, उसकी जो है वो जो LED थी वो ख़राब हो गई थी, तो हम लोग उसको रिपेयर करने के लिए दिया था। थर्सडे को रिपेयर करने के लिए दे दिया था और फ्राइडे इवनिंग में जो है फिर हम लोग पिक करने के लिए जा रहे थे। तो आपको यहाँ हमारे घर के पास ही जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स हैं जहाँ जो TVs हो गए, LEDs हो गई और कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स वगैरह जो है वो रिपेयर होते हैं। तो इधर एक शॉप है, वहाँ पर हमने जो है वो TV बनने के लिए दिया था। हमारा जो है वो इम्पेक्स का TV है, मुझे नहीं पता कि उसको हुआ क्या, कैसे वो ख़राब हुआ, क्योंकि 2-2.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, वो बिल्कुल सही चल रहा है। तो अचानक से ही ख़राब हो गया था TV, तो बस हस्बैंड गए हुए थे TV जो है वो लेने के लिए। तो जो शॉप वाला था वो टेस्ट कर रहा था कि देखिए हम TV जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो पहले हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग न्यू बाय कर लेते हैं। तो खैर फिर हमने कहा चले चेक करके देखते हैं, अगर ये रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर न्यू बाय कर लेंगे। तो बस रुहाब और बाबा जो हैं रुहाब के, वो TV को लेकर आ रहे हैं और आप लोग आगे क्लिप में देखिएगा कि रुहाब ने बाबा के साथ TV उठा के लेकर आ रही है। वो देखें, ये पकड़ लिया उसने TV और लेकर आ रही है। जिस दिन हम लोग देने के लिए गए थे ना TV, तो उस दिन वो रो रही थी कि अंकल मेरा TV को लेकर जा रहे हैं। फिर उसको राशिद ने समझाया कि आपका TV ख़राब हो गया तो हम रिपेयर कर रहे हैं। TV बन गया था और फिर जो है जनाब शाम में राशिद जो है वो जो हमारा लाउंज का फ़ैन है ना उसकी स्पीड इतनी लो थी कि बैठा नहीं जाता था वहाँ पर। आजकल हालांकि नॉर्मल वेदर है लेकिन उसके बावजूद भी, तो बस ये कैपेसिटर लेकर आए थे और वही जो है वो उसको कैपेसिटर लगा रहे थे पुराना वाला उतार के, तो न्यू कैपेसिटर उसको लगा रहे थे। राशिद साहब, राशिद जो हैं वो अपने घर के तकरीबन सारे काम खुद ही करते हैं, तो किसी हेल्पर वगैरह की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर फ़ैन भी चल गया है आश, आश। और आप लोग देखें कि कितनी स्पीड से ना वो चल रहा है। इधर तो बैठा भी नहीं जाता था। दूसरा कैपेसिटर कहाँ है पुराने वाला? इसको फेंक देंगे या इसको ठीक करेंगे? फिनिश अच्छा, गुड जॉब।
वाली साहब, गुड जॉब, गुड जॉब। तो बस उसको पहले उन्होंने ठीक किया, कैपेसिटर उसका जो पुराना था वो उतारा, उसके बाद टेस्ट किया कि ठीक है। तो जब ऑन किया तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, और अब वो उसको जो है वो साफ़ कर रहे थे। तो मंथ में एक बार वो लाजमी सारे पंखों को जो है वो साफ़ करते हैं, चेक करके देख लेते हैं, तो उसे ये है कि अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और सैटरडे है तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास साथ में बना रही थी आलू, सिंपल जस्ट मैंने आलू डाले और मसाला भून के, तो उसमें मैंने आलू डाल दिए थे, और साथ में बना रही थी जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था सालन, तो उसी में जो है वो मैंने पुलाव बना लिया। तो जस्ट मैंने पहले मसाला बनाया था, अच्छे से मसाला बना लिया, और उसके बाद जो मेरे पास सालन रखा हुआ था लेफ़्ट ओवर मटन, उसको मैंने अच्छे से भूना, भून के उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, और फिर साथ जो है चावल ऐड कर दिए थे। तो साथ साथ मैं आलू भी बना रही थी, मैंने कहा चले नेक्स्ट डे के लिए, संडे के लिए आलू हो जाएंगे, और सैटरडे को जो है वो हम फिर पुलाव खा लेंगे। तो क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, हाउसकीपिंग होती है, बहुत कुछ होता है, तो टाइम नहीं मिलता। तो जस्ट मैंने यहाँ पर आलू मैंने अच्छे से भून लिए थे, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा इसमें गल भी जाएंगे दम में, और थोड़ी सी ग्रेवी भी हो जाएगी। तो आलू जो है वो मैंने दम पर रख दिए थे, बस आलू रेडी हैं यहाँ पर। और साथ साथ जो है वो अब मैं राइस की बनाने की तैयारी कर रही थी, तो राइस भी मैंने दम पे लगा दिए थे, सॉरी पानी जो है वो मैंने डाल दिया था, और मैं इसमें चावल ऐड कर रही थी, और जस्ट सिंपल मैंने इसको हाफ एन आवर के लिए दम दिया था, और खाना रेडी था। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही यम्मी से राइस बने थे। तो ये था जनाब हमारा फ्राइडे एंड सैटरडे का व्लॉग जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी शेयर करती रहा करूँगी। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगें तो लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मज़ेदार सा यम्मी सा पुलाव आप लोगों के लिए भी रेडी है, आप लोग भी इंजॉय करें। तो मटन और चिकन का पुलाव तो वैसे भी बहुत मज़े का बनता है, लेकिन मटन की तो खैर क्या ही बात है। तो अगर सालन बना हुआ हो, एक दिन का रखा हुआ, और नेक्स्ट डे आप उसमें पुलाव बना लें, तो वो और ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो खैर बातों बातों में वीडियो भी एंड हो गई, और मुझे पता भी नहीं चला था, बस मैंने यहाँ पर दम ओपन कर लिया था, तो जस्ट उसको मैं डिश आउट कर रही थी। तो आप लोग भी देखिएगा और ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, मुझे दें इजाज़त। आप लोग मटन पुलाव इन्जॉय करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।